नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ विमला जी हैं जो 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह संस्था के लिए। विमला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 30 सालों से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा में, कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, गर्जन मन भी नहीं लगता, इधर आने का मन करता है। विश्वास कितना करते हो? बहुत ज़्यादा। क्यों करते हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी? हमारे सारे परिवार में खुश हैं, सब खुश, हमारे सब सब कुछ दे रखे पिताजी ने, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। दो फिर मर मर के बचाई में तो पिताजी ने देख लिया, बेटा तू डर गई? मत नहीं पिताजी, डरी नहीं मैं। अगले बेटे डरा मत, मैं आपके पास ही खड़े। बहुत विश्वास है, बस ऊँचा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं। कभी भी आपने ऐसा देखा हो? कभी नहीं, कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। ये सब झूठे हैं, सब झूठे लोग। मीडिया में, टीवी में दिखाया जा रहा था, सब गलत है। सच क्या है? गुरुजी ने काम क्या किए हैं लोगों के लिए? वो तो कुछ कर रखे हमारे लिए, सब कुछ कर रखे। उसी की तो मेर से बैठे हैं, उसी की मेर से, उसी के सारा जी बहुत कुछ। क्या जरूरत है संत जी की समाज में? सब कुछ जरूरत की नहीं है, सारी जरूरत है। उन्होंने काम क्या किए हैं लोगों के लिए? बहुत कर रखे बैठे, क्या नहीं करे उन्होंने गरीबों के लिए, क्या नहीं करे। घर बनवा के दिए हैं सबको, सारा कुछ करके दिया, राशन देता है, शादियाँ करता है, बहुत कुछ कर रहा। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यह मांगा हमारे पिताजी आओ, जल्दी से जल्दी आओ बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लेडीज़ जुड़ रही हैं और अपील कर रही हैं कि सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा की समाज को सख्त जरूरत है। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।